नहीं दीजिए राकेश जी को, पहले मुझे राकेश जी को डांटना है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था वेट कम करोगे, सर बस थोड़ा ये पैरालंपिक की तैयारियों में मैं 3-4 महीने पहले जैसी ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिस तो कर पाया लेकिन अपने वेट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, बड़ी उम्र में आपको चैलेंजेज आई लेकिन आपने उन चैलेंज को सचमुच में बहुत हिम्मत के साथ आपने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल फेस किया है। दीजिए राकेश जी को, पहले मुझे राकेश जी को डांटना है। जय माता दी सर। जय माता जी। राकेश मुझे काटना है पहले तुम्हें। जी सर जरूर। आपने मुझे प्रॉमिस किया था वेट कम करोगे, तुम्हारा वेट बढ़ रहा है यार। सर बस थोड़ा ये पैरालंपिक की तैयारियों में मैं 3-4 महीने पहले जैसी ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिस तो कर पाया लेकिन अपने वेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। तो सर अभी इसके बाद मेरा एक टारगेट है कि मैं अपना वेट ज़्यादा ही कम करूँगा सर। बड़ी उम्र में आपको चैलेंजेज आई लेकिन आपने उन चैलेंज को सचमुच में बहुत हिम्मत के साथ आपने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल फेस किया है जी। कई लोगों को आपका उदाहरण देता रहता हूँ। सर एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे मेरे वेट से सर थोड़ा सा जैसे आर्चरी में विंड होती है तो मुझे थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलती है, वेट में थोड़ा फायदा है तो इसीलिए भी मैंने सर ये पैरालंपिक को देखते हुए कम नहीं किया। तुम्हें अपने कोई अच्छी थ्योरी निकाल दी। तो सर बस यही है कि आपको और शीतल को बहुत बहुत बधाई, आपने अद्भुत किया। जी सर। शीतल की तो पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में बड़ी वाहवाही चल रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल।